मतलब एक चीज जो पंच देती है ना वो ये है, खुशबू ऑनेस्टली मुझे इस तरह की आ रही है जिस तरह की मेरी अम्मी बनाती है। ये तो बहुत जबरदस्त ऑफ रोडर गाड़ी है। हो गया हो गया ऑन। हेलो जी, फ्रॉम नेपाल रोशन, मुझे पाकर दोस्त है, सुनिए। हाँ सीनियर वीनियर कोई नहीं और इसे शुरू करते हैं एक दिरहम के समोसे के साथ। बड़ा सख्त है यार, टूटता ही नहीं है। वैसे तो दुबई में बड़ी अच्छी अच्छी खाने की कुजींस है, लेकिन आज हम एक्सप्लोर करेंगे जबल अली के अंदर टू बेस्ट बिरयानी, पाकिस्तानी वर्सेज इंडियन। पाकिस्तानी बिरयानी में यहाँ दी बेस्ट मानी जाती है सराब अल मदीना। उसके अलावा इंडियन रेस्टोरेंट्स तो बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे कैफेज भी हैं, लेकिन हमारा माइंड है कि हम ग्रैंड मॉल से लेंगे, क्योंकि ग्रैंड मॉल की बिरयानी भी बहुत अच्छी थी। तो चलते हैं पहले सराब अल मदीना। ये हम आ गए सराब अल मदीना रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे तमाम चीजें पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी स्वीट्स में मिल जाती हैं। जुम्मे वाले दिन कुछ स्पेशल इन्होंने रखा हुआ है, लाइक डिफरेंट चीजें हैं इनकी और डिफरेंट डेज के हिसाब से मिलती है। बिरयानी इनकी वर्ल्ड फेमस है, आज हम बिरयानी ही ट्राई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे अपने भाई हैं भावलपुर से, इनका नाम है जैन, इनके पास आते रहते हैं। ये जी 10 दिरहम की बिरयानी, ये हमारा पार्सल आ गया। ओके जी, सराब अल मदीना से ले लिए बिरयानी, अब हम जा रहे हैं ग्रैंड मॉल। मेरे कई दोस्तों ने पूछा था कि जगह जगह मॉल्स के बाहर इस तरह गाड़ियां खड़ी होती हैं, इनका क्या सीन है? यार ये लकी ड्रॉ होता है कि आपने कोई स्पेसिफिक अमाउंट की शॉपिंग की हो तो आपको टोकन मिलता है, और वो टोकन फिर आप कुरानदाजी में डालते हैं। अगर कुरानदाजी में आपकी गाड़ी निकल आए तो ये आपकी। पाकिस्तानी खानों और इंडियन खानों में कई जगह काफी फर्क होता है, कई जगह मामूली सा फर्क होता है, लेकिन हमारे इस एरिया में पाकिस्तान और इंडियन खानों में काफी ज्यादा फर्क है। ये एक रेस्टोरेंट है अफगान बाबा, इनकी चाय और इनका शवारमा आउटस्टैंडिंग है। उसके अलावा बड़ी चीजें अच्छी हैं, लेकिन ये दोनों तो कमाल है। अभी हम हो गए हैं एंटर ग्रैंड मॉल के अंदर, यहाँ से हम सीधा जाएंगे हॉट फूड वाली साइड पे। ये हमने करवाई है बिरयानी, और इनकी बिरयानी में वाइट राइस ज्यादा लग रहे हैं। यहाँ फिश तवे पे भी फ्राई होती है, हमें पता नहीं था, हमने सिर्फ ऑयल में फ्राई करवाई थी लास्ट टाइम। चलिए नेक्स्ट टाइम सही। यहाँ पे फिश ब्रोस्ट भी है, चिकन ब्रोस्ट भी है। ये हमने चिकन ब्रोस्ट करवाया है, इसकी प्राइस है पर पीस 3.5 दिरहम्स। साथ हमने फ्राइज भी करवाई है। हमारी यहाँ कहीं बिरयानी पड़ी हुई है, ये है। थैंक यू। मार्केट में हम जब भी आए हैं तो यहाँ सेल्स हमेशा लगी होती हैं। अब ये कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस पे भी सेल लगी हुई है आज तो। भाई आप सरप्राइज उठाएं, कोक मेरे दांतों में अटकती है। जब तक अकबर यहाँ बिल करवाते हैं मैं कुछ और देखता हूँ। यहाँ पे है कुछ पानी पूरी, कुछ इस तरह से रिलेटेड। क्या कुछ है? पानी पूरी पापड़ी चाट, 5 दिरहम में। ओके नो प्रॉब्लम। ये इंडियन है, केरला का। ओके, ये इन्होंने 4-5 पीस तोड़ के डाल दिए पापड़ी के। मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे नहीं आइडिया कि ये क्या चीज़ कैसे बन रही है। अभी पहले ये एक चटनी आई है, ऊपर ये रेड वाली चटनी डाली है। ये स्पाइसी है? ओके ये स्पाइसी है। ये तो योगर्ट है ना, योगर्ट दही है ये। अभी ये भाई ने ऊपर डाल दिए हैं प्याज, ले जी चने भी आ गए हैं इसके ऊपर। उसके बाद ये 12 मसालों का तड़का। ये तकरीबन सिमिलर टू पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ही है। ऊपर इन्होंने निमको डालने के बाद फिर स्पाइसी सॉस डाल रहे हैं, और फिर रायता डाल रहे हैं, फिर से दही। ये लें जी, ये हमारी डिश रेडी है। ओके भाई, सारा सामान ले लिया है और ये मेरे हाथ में है। अकबर इस टाइम कुछ सॉस लेने गया है, उसे छोड़ते हैं इधर ही और हम चलते हैं ऊपर। ऊपर फूड कोर्ट में बैठते हैं और तसल्ली से खाते हैं। लास्ट टाइम भी हमने इसी फूड कोर्ट में बैठ के खाया था, बड़ा मजा आया था यहाँ पे खाने का। हमने कहा इधर ही करते हैं दोबारा। ये फ्राइज है, ये है बिरयानी ग्रैंड मॉल की, ये है चिकन ब्रोस्ट, उसके बाद ये एंड पे निकली कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद ये सराब अल मदीना का पैकेट है। पहले इन्होंने एक ये दिया है, कुछ सॉस ही होगा, चेक करते हैं। उसके बाद एक और सॉस है, फिर एक और नहीं, आई थिंक ये दो रायते हैं, और ये उन्होंने जर्दा दिया है क्योंकि वो साथ देते होते हैं। उसके अलावा एल्युमिनियम रैप के अंदर चावल हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। सब चीज़ों को बारी बारी ट्राई करते हैं। सबसे पहले कौन सी बिरयानी करनी है? इंडियन, इंडियन से कर शुरू करते हैं इंडियन। ये इन्होंने प्लास्टिक रैप किया हुआ है, स्पून इन्होंने हमें साथ नहीं दिए, पाकिस्तानी बिरयानी के साथ स्पून आए हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इंडियन बिरयानी, कॉस्ट भी हम साथ साथ बताते जाते हैं। इसकी कॉस्ट हमें आई है 6.71 दिरहम, ये हमें मिली है 6.7 दिरहम की, और बिरयानी की क्वांटिटी इतनी है, एक जो रेगुलर बॉक्स होता है उसके जितनी है। ओए होए होए, खुशबू ऑनेस्टली मुझे इस तरह की आ रही है जिस तरह की मेरी अम्मी बनाती है।
चावल पहले हमें देखने में लग रहे थे कि वाइट है वहाँ पे, लेकिन वाकई प्रॉपर स्पाइसी चावल है। चावल भी इसका लॉन्ग ग्रेन है। ये एक बाइट है जिसके अंदर मैंने चिकन नहीं लिया, सिर्फ चावल है और साथ मसाला है। इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ये बिल्कुल वैसी है जैसे मेरे घर, हमारे घर में मेरी अम्मी बनाती है। चावल का एक एक दाना निकला हुआ है। आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छी है, देखते हैं पाकिस्तानी इससे मुकाबला कर पाती है। पाकिस्तानी मैंने खाई हुई है बिरयानी ऑलरेडी, ये मैंने पहले कभी नहीं खाई थी। ये भी पाकिस्तानी बिरयानी से कम नहीं है। इन्होंने 6 दिरहम की बिरयानी के अंदर बड़े बड़े चिकन के 2 पीस डाले। जो नेक्स्ट पीस है दूसरा है, ओहो, और ये इतना सॉफ्ट चिकन है कि मैंने उठाया है तो टूट गया। बिरयानी में नॉर्मली इतना ज़्यादा सॉफ्ट चिकन नहीं होता। मसाले बहुत ज़्यादा हैं लेकिन स्पाइसी नहीं है। जिसने सुना है ना कि इंडियन बिरयानी बहुत स्पाइसी होती है, कानों से धुएं निकलते हैं, वैसा कुछ नहीं है। हर मसाले का, हर चीज़ का अपना अपना फ्लेवर और अपना अपना टेस्ट है। इंडियन बिरयानी का लाइटर बिरयानी, ये एक्चुअली बलवारियों की बिरयानी है। सर सरप्राइज सरप्राइज, कोक इसका मुकाबला नहीं कर सकती, खास तौर पे खाने के साथ। अपना क्रश और प्यार कोक है। नहीं, हमने ना क्रश रखा है ना प्यार रखा है। मेरा चम्मच टूटने लग गया। ओके, अभी हम रायते के साथ, इन्होंने हमें ये वाला रायता दिया था, मैं भूल ही गया था कि इनके साथ रायता भी दिया। ओहो, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ। रायते के अंदर इन्होंने गाजरें डाली हुई है, प्याज डाला हुआ है और हरा धनिया भी है। ग्रैंड हाइपर एक हाइपर मार्केट है, लेकिन यहाँ पर जो खाने हैं वो यहाँ लोकल किसी भी रेस्टोरेंट से अच्छे हैं मयार के लिहाज से। अभी तक जितने हमने खाए हैं हमें तो अच्छे ही लगे। इसको 2 मिनट के लिए यहीं छोड़ दें, इसको बाद में खाएंगे, पहले वो ट्राई करें, यही ना हो कि ना हम फुल हो जाएं। ओके जी, ये है पाकिस्तानी बिरयानी। पाकिस्तानी बिरयानी की खुशबू ही बता देती है कि ये, वैसे ये बात है, खुशबू हमारी बिरयानी में ज़्यादा है। चावल का साइज़ वही है लेकिन उनके बिल्कुल निखरे हुए चावल थे, एक एक दाना अलग था, हमारे कहीं कहीं चावल जुड़े भी हुए। जुड़े हुए तो ये पैकिंग की वजह से है ना? हाँ, शायद पैकिंग की वजह से जुड़ गए, क्योंकि इस तरह की पैकिंग। चिकन की क्वांटिटी यहाँ भी बहुत अच्छी है। ओहो, अच्छा ये तो छोटा सा पीस है, लेग पीस है। 1, 2, 3 चिकन का ये छोटा सा पीस है, लेग पीस भी छोटा है। 2 बड़े पीस और 2 छोटे पीस कह सकते हैं चिकन के, और क्वांटिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। उसकी रीज़न है कि इसकी प्राइस भी ज़्यादा है, वो तकरीबन 6.7 दिरहम है, तकरीबन 7.25 दिरहम की, और ये हमें 10 दिरहम में मिली है। ये 10 दिरहम में बिरयानी है, 7 2 रायता है और 1 जरदा मिला साथ। इसको मैं टेस्ट करता हूँ पहले सिर्फ मसाले के साथ। पाकिस्तानी बिरयानी में उतना कलर नहीं है जितना इंडियन बिरयानी में कलर था, बड़ी कलरफुल सी बिरयानी थी। ये हमारी सिर्फ वाइट और येलो टोन में है। अभी ये देखिए जी, सिर्फ मसाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं सर, नहीं, इंडियन नो डाउट बहुत अच्छी है लेकिन इसका मुकाबला नहीं है। ये तो आउटस्टैंडिंग है, मतलब एक चीज़ जो पंच देती है ना वो ये है। आज से पहले मैंने ये बिरयानी बहुत खाई है और मुझे अच्छी भी लगती थी, लेकिन कंपेयर आज फर्स्ट टाइम किया और कंपेरिजन में तो हाँ ये है कि वो बॉक्स में देते हैं और हमारे एल्युमिनियम रैप में देते हैं। अभी ये पाकिस्तानी रायता है, उनका चूंकि बिल्कुल वाइट दही था, उसके अंदर उन्होंने गाजर और डिफरेंट चीज़ें डाली हुई थी। जो पाकिस्तानी रायता है उसके अंदर पुदीना डाला हुआ है क्रश करके, सब्ज़ मिर्च, जैसा हमारा पाकिस्तान का रेगुलर रायता होता है उस तरह का, काली मिर्च भी है। अभी मैं ये रायते के साथ टेस्ट करता हूं। प्यारा और इतना लाइट टेस्ट बिरयानी का मैंने पहली बार देखा। मेरा ख्याल है आपने सराबुल मदीना की बिरयानी पहले नहीं खाई। नहीं खाई ना? और मैं इस बंदे को कहता रहा हूँ कि वैसी बिरयानी कहीं नहीं मिलती, आउटस्टैंडिंग। अच्छा ये दोनों जो है ना लोकेशन से जबल अली के अंदर ही है और करीब करीब है। ग्रैंड मॉल तो जबल अली पार्कों वाली साइड पे अगर आप आए तो मेन रोड के ऊपर ही है, और उसी मेन रोड की बैक साइड पे जाएं कुछ 100 मीटर की दूरी पे शॉपर्स मॉल है, उसके नीचे सराबुल मदीना है। और पाकिस्तानी खानों में सराबुल मदीना एंड है, वहाँ से कुछ भी खा लें ट्रेड ऑफ द आर्ट ही मिलता है। हालांकि सराबुल मदीना कोई होटल नहीं है, बेसिकली वो एक कैफे है। कैफे होने के बावजूद वहाँ रश इतना होता है कि जब भी जाएं हमारी बारी मुश्किल ही आती, लेकिन आज ऑनेस्टली हमारी बारी जल्दी आ गई है, क्योंकि जो मैनेजर है जैन भाई वो मेरे दोस्त हैं, वहीं बैठे हुए थे उसी टाइम उन्होंने दे दिया। चिकन में ट्राई करने लगा हूँ पाकिस्तानी। ऑनेस्टली बाकी हर चीज बिरयानी में इंडियन बहुत एक्सपर्ट है, अभी तक जितना हमने एक्सप्लोर किया है हमें पाकिस्तानी ही अच्छी लगी है। नेक्स्ट जब कभी ढूंढेंगे कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो हैदराबादी बिरयानी ढूंढेंगे। हैदराबादी बिरयानी के लिए हमें शारजा में बड़ी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमें ट्राई करनी है। अच्छा मैं कहता हूँ खाने की तरफ बाद में आएंगे, बाकी चीज़ों को भी टेस्ट कर लिया जाए। इसके बाद हम चलते हैं ब्रोस्ट की तरफ। ये है जी चिकन ब्रोस्ट और ये इंडियन ही है। इनसे हमने केचप एक्स्ट्रा मांगा था लेकिन इन्होंने नहीं दिया। हाँ 2 दे दिए, डेरा मेहरबानी दे। प्राइस भी अच्छी है, ये 2 दिरहम की प्राइस है। क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन ब्रोस के पीस का साइज अच्छा खासा बड़ा है, 350 का पर पीस है। ओए होए 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 होए,
कैसे जूसी चिकन है इनका, प्रॉपर टेंडर हुआ है। बिस्मिल्लाह, ये देखे ना, हर चीज देखने से नजर आ रही है। ऑनेस्टली KFC बहुत एक्सपेंसिव है इसके लिहाज से। ये 3.5 दिरहम का एक पीस है। KFC का एक पीस 7 से 8 दिरहम में अप्रोक्सीमेट पड़ रहा होता है, वो भी डील में। लेकिन हम KFC को इससे कंपेयर नहीं, KFC का टेस्ट का मुकाबला नहीं। अकबर भाई कह रहे हैं कि KFC से मुकाबला नहीं है इसके टेस्ट का, KFC का टेस्ट अच्छा है। जबकि मैं कहता हूँ कि इसका टेस्ट KFC से कहीं आगे है। मतदाद राय ट्राई करें आप, हमें बताइएगा। ये जो इसके ऊपर इन्होंने क्रिस्पी सी कोटिंग की हुई है ना, ये भी ज़बरदस्त है। इनकी प्राइस भी मुनासिब है, टेस्ट तो छोड़ ही दे। चिकन को मैं रायते में डिप करके खाता हूँ। नहीं, जो मज़ा केचप के साथ है वो रायते के साथ नहीं है। ऑयल इसमें इवन दो ज़्यादा है। ब्रोस तो हम ऐसे ऐसे मिनटों में चट कर गए। अच्छा भैया, अपनी लास्ट आइटम की तरफ जाने से पहले हम एक और चीज़ ट्राई करेंगे। ये है जर्दा। इसका कलर चेक करें, ग्रीन, येलो, रेड। जर्दा कर रहे हैं, इसका असल नाम बताएं। असल नाम क्या है? मुतंजना। नहीं 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 सर, जो मुतंजन होता है ना, उसके अंदर मिठाइयाँ डलती हैं, उसके अंदर बहुत सी चीजें डलती हैं। ये तो सिर्फ कलर है सर, ये वही है। यहाँ पे पाकिस्तान की जो स्वीट्स हैं वो तो मिलती नहीं है कहीं। ओ नहीं सर, आप जहाँ गए थे आज सराब अल मदीना, वहाँ पाकिस्तानी स्वीट्स भी मिलती है। एक बात मैं और करना चाहूंगा कि ज़ाइफा भाई को अभी छुट्टी जाने की भी जरूरत है। मैं और ये भी लग रहा है इतने कुछ कटिंग नहीं हो सकती। वैसे वो बिरयानी एक साइड पे दोनों इंडियन और पाकिस्तानी, और ये जो मीठे चावल थे ये एक साइड, ये वाकई आउटस्टैंडिंग टेस्ट है इनका। हालांकि एक साथ थोड़ा सा साथ गिफ्ट कह लें या स्वीट के तौर पे देते हैं। पाकिस्तानी बहुत मीठे लोग हैं, प्यार करने वाले, तो ये निशानी है पाकिस्तानियों के प्यार की, ये मीठी चीज देते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चेक करें भाई, ये है पापड़ी चाट। आधा हिस्सा तो ऊपर ही लग गया। एनीवेज, एक और बात कि यहाँ पे पापड़ी नहीं मिली हमें, इसमें ये जो है ये कुछ और चीज़ें डाली हुई है इन्होंने। बड़े बलागर साहब, तले सारी पापड़ी दी तह। अच्छा, ये छुपा के रखी हुई है ना इन्होंने। ये सर तहों में तह दर तह। क्या बात है। इसके अंदर चने भी हैं, प्याज भी है, पापड़ी भी है, डिफरेंट चीज़ों का जो मिक्सचर है ना, वो कमाल है। एनीवेज, बाइट बड़ी ज़बरदस्त लग रही है मुझे, मैं इसे ट्राई करता हूँ। हार्ड देगी हर चीज़, ये वो वाला सीन है, मीठी खट्टी तीखी हर चीज़ का प्रॉपर कम्बिनेशन है, और क्रंची तो फिर है ही। पाकिस्तानी चाट में दही का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ जहाँ भी कोई इंडियन खाई है वहाँ दही की क्वांटिटी बहुत कम होती है। पाकिस्तानी दही बल्ले, फ्रूट चाट, पापड़ी चाट प्लस क्रीम चाट, क्या ही कहने। सर ट्राई करेंगे वो भी किस दिन। खाना में जो है वो पाकिस्तानी से आगे कोई नहीं जा, जो हमारे टेस्ट हैं वो सिर्फ हमारे ही। सर वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इंडियन ट्रेडिशन जो है ना, उनकी ट्रेडिशनल डिशेज भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। जैसे बिरयानी इनकी कम नहीं है, इंडियन में वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलती है। इंडिया बहुत बड़ा ओरिजिन है, इंडिया में खानों के ओरिजिन है, और अपने अपने ओरिजिन में खाने बहुत बहुत टेस्ट होंगे। आप एक ओरिजिन से निकलेंगे तो दूसरे ओरिजिन में टोटल चेंज मिलेगा आपको। इमिनेंट जो उनकी लैंग्वेज है वो भी चेंज है, उनके जो कस्टम्स है, उनकी जो सिविलाइजेशन है, सारी चेंज। कहने को तो ये पापड़ी चाट है, लेकिन ये इतनी हैवी है कि हमने इसका शायद 4th पार्ट भी नहीं अभी तक खाया। अभी हम आते हैं रेटिंग की तरफ। आप क्या रेट करते हैं आउट ऑफ 10 इंडियन को और पाकिस्तानी बिरयानी को? पाकिस्तानी बिरयानी है वो तो 10/10 है, और जो इंडियन बिरयानी है वो बहुत मज़ेदार थी, लेकिन उसमें जो मसाले थे, मसालों की जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसको मैं रेट करूँगा 10/8, लेकिन बहुत मज़ेदार बिरयानी। इन्होंने मसाले नहीं खाए, लेकिन मैंने मसाले भी टेस्ट किए, मसाले बहुत ज़बरदस्त थे। जितने मसाले डाले हुए थे उनका बड़ा एक माइल्ड सा फ्लेवर था, जैसा एग्जाजरेट कुछ भी नहीं हुआ हुआ था। जैसा हम सुनते हैं कि इंडियन बिरयानी में बहुत धुएं और ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इंशाल्लाह जामिया मस्जिद है, वहाँ पे जाना है खाना खाने के लिए, मैंने इसके बारे में बड़ा सुना है। लेकिन देखा जाए तो लाहौर भी किसी पीछे नहीं है, लाहौर, कराची, लाहौर और कराची का बंद स्टोर है। ओके भाई, चाय में पी ली है, अब हम निकलते हैं। ग्रैंड मॉल से बाहर निकले हैं, सबसे पहले इतनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये शेवी इकोनेक्स है, उसके बाद ये हमर H3 है, ये तो बहुत ज़बरदस्त ऑफ रोडर गाड़ी है, लेजेंडरी कार कह सकते हैं। ओके जी, आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो या तो दुबई आना चाहता है या दुबई से रिलेटेड मटेरियल में इंटरेस्टेड है। आपको मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग हम किस चीज़ पे बनाएं उसके बारे में आप अपनी राय का इजहार कमेंट में करें। मैं फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।